पहाड़ी राज्यों के साथ ही देश के मैदानी राज्यों में भी धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं पर हल्की हल्की बारिश हो रही है तो कहीं पर लोगों को ठंड के बाद अब गर्मी सताने लगी है। राजधानी दिल्ली में भी गर्मी वाले दिन आ गए हैं, लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। घरों में दोपहर में पंखे चलाने तक की नौबत आ गई है। हालांकि इससे गर्मी कम नहीं होगी। इसी बीच मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। अपडेट के मुताबिक मध्य प्रदेश से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। इसके अलावा गरज के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज देश भर में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार 17 से 20 मार्च के बीच गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बादल गरजेंगे, आसमान में बिजली चमकेगी और तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही 17 मार्च को ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश देखने को मिल सकती है। यहां गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिजली गिरने की भी संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं सब हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में 18 और 19 मार्च को हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश यनम में 20 मार्च तक, केरल में 17 और 18 मार्च को बारिश होने जा रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 22 मार्च तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। आपको बता दें कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 18 मार्च को फिर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 18 मार्च और 20 से 22 मार्च, हिमाचल प्रदेश में 21 और 11 मार्च और उत्तराखंड में 22 मार्च को बारिश बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी विदर्भ, तेलंगाना, तमिलनाडु में अधिकतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल में अगले 2 दिनों तक हॉट एंड ह्यूमिड वेदर बने रहने की उम्मीद है। केरल माहे और रायलसीमा में अगले 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिनों के बीच अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला है, जिससे गर्मी में भी इजाफा होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में 22 से 24 मार्च के बीच होली से पहले बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। यहां तक कि 25 मार्च को होली के दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। खैर, इस खबर में इतना ही। देश भर में बदलते मौसम को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।